माई कैंपस ड्रग फ्री कैंपस को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उपायुक्त सोलन विनोद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सोलन सब डिवीजन से आए विभिन्न शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों और एनजीओ के पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। वहीं जिला प्रशासन ने कैंपस को ड्रग फ्री बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि शिक्षण संस्थानों से नशे को दूर रखें और युवाओं को नशे की दलदल में जाने से बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए जिला सोलन पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा और उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने बताया कि आज माई कैंपस ड्रग फ्री कैंपस को इसको लेकर विचार विमर्श किए गए। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी नशे के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है, उन्हें इस गलत आदत से बचाने के लिए रणनीति तैयार की गई है ताकि शिक्षण संस्थानों का कैंपस ड्रग फ्री हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखा सकते हैं, इसीलिए आज अध्यापकों से इस विषय में विस्तार से चर्चा की गई ताकि नशे को विद्यार्थियों से दूर रखा जा सके। सोलन सब डिवीजन में माई कैंपस इज ड्रग फ्री कैंपस का शुभारंभ किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें से ड्रग्स को कैसे खत्म किया जाए और रोका जा सके। तो सभी शैक्षणिक संस्थानों के जो प्रमुख थे वो आए हुए थे, उनके साथ विचार विमर्श किया गया और इसके ऊपर इस योजना के ऊपर कैसे इसको कार्यरूप दिया जाएगा उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। टीचर है, उसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों को फ्यूचर शेप करने में, उनको समझाने में, और टीचर्स की बात जो है वो बच्चे समझते भी हैं। तो इस तरह उनको ये आग्रह किया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि वो ड्रग फ्री कैंपस बनाने में योगदान दें। बेसिकली इसमें सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के और कुछ एनजीओ के लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें, स्पेशली सोलन सब डिवीजन के। इसमें क्योंकि हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो काफ़ी इसमें ड्रग्स के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है, तो उसी में कैंपस को, स्कूल के प्रीमाइसेस को, यूनिवर्सिटीज़ इनके हॉस्टल्स में अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। बच्चे का जो फाउंडेशन बनती है, जो संस्कार बच्चे को प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पे पड़ जाते हैं वो बाद में चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है उसको, तो बच्चे को पहले अच्छा संस्कार देना, उसको तालीम देना अच्छे तरीके से, जो उसके बैड इफेक्ट्स हैं सारे उसके बारे में जानकारी देके, तो बच्चा अच्छी जिंदगी जी सकता है उसमें ना।